बिलवाड़ा जिले में गत दिनों रात में सोते हुए लोगों के साथ लूटपाट करने के मामले में बिलवाड़ा की प्रताप नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी सहित 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। पूछताछ में सामने आया है कि लुटेरी गैंग का मुख्य आरोपी 18 से 25 साल तक के युवाओं को अपनी गैंग में शामिल कर लूट की वारदात को अंजाम देता है। मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले भी कई थानों में लूट के मुकदमे दर्ज है। लुटेरी गैंग सोते हुए लोगों की आंख में टॉर्च से रोशनी डालती थी ताकि तेज रोशनी की वजह से सामने वाला व्यक्ति इनका चेहरा नहीं देख पाता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने बताया कि गत 2 महीने से थाना क्षेत्र में कम आमदनी और सड़क पर रात गुजारने वाले लोगों से लूट की वारदातें बढ़ रही थी। इन वारदातों में रात में सो रहे लोगों से आभूषण लूट लिए जाते थे। इस पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देश पर प्रतापनगर थाने के सिंगम के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिनके अथक प्रयास के बाद 4 लोगों के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह का मुख्य आरोपी 37 वर्षीय देवीलाल कालबेलिया है। देवीलाल द्वारा पूर्व में भी 18 लूट की वारदातें की गई। पुलिस द्वारा पूछताछ में सामने आया है कि इनके द्वारा प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4, मंगरोप थाना क्षेत्र में 2 वारदात सहित अन्य थानों में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी देवीलाल कालबेलिया द्वारा 18 से 25 साल तक के नई उम्र के युवा लड़कों को गैंग में शामिल कर लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। पिछले करीब 2 महीनों से प्रतापनगर सर्किल में किसी गैंग के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें गाडोलिया लुहार या कम आमदनी वाले लोगों के साथ में लूटपाट की वारदात हो रही थी। ये लूटपाट इस तरह की थी कि जो महिलाएं सो रही थी उनके कोई कान के मुर्कियां, गले के मादलिया या कोई ऐसे ही स्वर्ण धातु के कोई आभूषणों की लूट हो रही थी। इस पर लगातार वाच रखी गई और तकनीकी निगरानी और साथ में ही एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा रिसोर्सेज के द्वारा जानकारी एकत्र की गई और 4 लोगों का एक गिरोह को दस्तयाब करने में टीम ने सफलता हासिल की। इस गिरोह का मुखिया था देवीलाल कालबेलिया। ये 37 साल का कालबेलिया था। इसके द्वारा पहले भी कोई 18 वारदातें की गई है। साथ में इस गिरोह के द्वारा जहां पे प्रतापनगर सर्किल में 4 वारदातों का खुलासा हुआ है, वहीं मंगरोप एरिया में भी 2 वारदातें और अन्य थाना क्षेत्रों में भी करीब 4-5 वारदातें इसी तरह की ही की गई है। सर, वारदात के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? सर, चूँकि ये जो देवीलाल कालबेलिया है, ये पहले भी हार्डकोर अपराधी के रूप में रह चुका है, कई वारदातें कर चुका है और नई उम्र के 4-5 छोरों के साथ में मिलकर के और इसके द्वारा ये वारदात की जा रही थी। सर, कितनी उम्र तक के लड़कों को इन्होंने तैयार किया है? हाँ, करीब अभी इस गैंग में उसके पास में 18 साल का, 20 साल का और 25 साल के 3 साथी इसमें शामिल पाए गए हैं। नाबालिग तो नहीं था सर? नाबालिग नहीं थे।